नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज में। जानते हैं क्या है आज का ताजा मुद्दा। हम सब अब इस कड़वे सच से वाकिफ हैं कि महान गायिका लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही हैं। 92 वर्षीय लता जी का रविवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था, जिसके बाद से पूरी दुनिया का अंतर्मन दुख पीड़ा शोक से व्यथित है। कल यानी रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में लता जी को उनके भाई ने नम आंखों से मुखाग्नि दी। इस दौरान राजनीति, खेल, मनोरंजन जगत सहित कई क्षेत्र के लोग लता जी की इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी मैनेजर पूजा ददलानी के साथ नजर आए, जिसके बाद से ही उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इस वीडियो के वायरल होने के पीछे भारत की असली विरासत और संस्कृति छुपी हुई है। जी हाँ, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने लता जी को कुछ इस अंदाज में विदाई दी, जिसने लोगों के मन को जीत लिया। इस वीडियो में शाहरुख खान दोनों हाथों को फैलाए इस्लामिक रीति रिवाजों से लता मंगेशकर के लिए दुआ पढ़ते हुए नजर आए। वहीं पूजा ददलानी हाथ जोड़कर नमन करती दिख रही थी। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि शाहरुख खान के हाथों में एक फूलों का हार है। शाहरुख पहले लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर पर फूलों का हार चढ़ाते हैं और फिर लता जी की आत्मा की शांति के लिए दुआ पढ़ते हैं और उन पर फूंक मारते हैं। इतना ही नहीं, शाहरुख लता जी के लिए दुआ मांगने के बाद उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आए। वहीं शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी हाथों को जोड़कर लता जी को नमन करती हुई दिखाई दी। शाहरुख और पूजा के इस वीडियो पर सोशल मीडिया में लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसमें एक यूजर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, एक देश कई धर्म और मैं इसी भारत में पला बड़ा हूँ। तो वहीं एक अन्य ने लिखा, ये इंटरनेट की सबसे प्यारी तस्वीर है, मोहब्बत सबको जीत लेगा। धन्यवाद।